अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। आतंकी हमले के खतरे से निपटने के लिए राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी को देने की तैयारी चल रही है। राम मंदिर के पास ही एनएसजी का एक यूनिट बनाया जाएगा, जहां एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती होगी। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर की कड़ी होगी सुरक्षा, एनएसजी कमांडो के हवाले होगा राम मंदिर, राम नगरी में बनेगा एनएसजी हब, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो की होगी तैनाती। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यहां की रंगों रौनक बदल चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां अब राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर रोज औसतन लाखों राम भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में अयोध्या आतंकवादियों के निशाने पर हो सकती है, जिसे लेकर सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है और एहतियात के तौर पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राम नगरी अयोध्या में अब एनएसजी हब बनने जा रहा है। आतंकी खबरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में एनएसजी की एक यूनिट बनेगी, एनएसजी स्पेशल यूनिट, और इसके साथ साथ एनएसजी यूनिट स्पेशलाइज्ड वेपन और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होगी। एनएसजी यूनिट के बम निरोधक दस्ता, एंटी सबोटेज टीम, एंटी हाईजैकिंग टीम, क्विक एक्शन टीम के 9 डॉग स्क्वाड के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण भी मौजूद रहेंगे। एनएसजी का हब राम मंदिर के पास ही होगा। भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या, यहाँ पर स्थित भगवान श्री राम की जन्मभूमि, राम जन्मभूमि जहाँ पर रामलला विराजमान है भव्य मंदिर में, इसकी सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी तक जो सुरक्षा व्यवस्था पीएससी के जवानों के हाथ थी, जो व्यवस्था एसएसएफ के हाथों थी, जो व्यवस्था एसटीएफ के हाथों थी, अब वो व्यवस्था पहुंच रही है एनएसजी के पास। राम नगरी अयोध्या को एनएसजी हब बनाया जा रहा है। अब भगवान श्री राम के मंदिर की सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमांडो तैनात किए जाएंगे। बस इंतजार है तो केवल केंद्र से मंजूरी की। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मुस्तैद कर दी जाएगी। सुरक्षा के सारे तंत्र पूरी तरह से मोड़ पर हो जाने हैं। सुरक्षा की सारी एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें, जिस तरह से तमाम धमकियां मिलती हैं राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर, ऐसे में ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती की जाएगी। क्या है एनएसजी? एनएसजी का गठन 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट के तहत किया गया। एनएसजी विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी किसी भी अभियान को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इनका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब बेहद गंभीर आतंकवादी हमला हो। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी के पास ही होती है। इसके अलावा भी कुछ चुनिंदा वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा एनएसजी के पास होता है। एनएसजी खुद को जीरो एरर फोर्स मानता है, यानी कि इसमें गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अयोध्या में फिलहाल यूपीएसटीएफ और एटीएस की यूनिट के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जबकि श्रीराम राम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसएफ के हाथ में है। मंदिर की सुरक्षा में 200 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। यूपी सरकार ने हाल ही में पीएससी और पुलिस के जवानों को मिलाकर एसएसएफ का गठन किया है। वहीं राम मंदिर की जिम्मेदारी एनएसजी को मिलने के बाद अब राम मंदिर की सुरक्षा और सख्त हो जाएगी। राम मंदिर के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।